जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग का जो है थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, 50 क्वेश्चन तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज 51 क्वेश्चन से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिना कोई टाइम समय। देखिए 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑल परफेक्ट गैस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। हमेशा जो ये सब जो क्वेश्चन है ना, जो भी लो बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गेलिस लो, जूल्स लो, इसको जो है कौन सा चीज कांस्टेंट रख के बोला है उससे आप क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे बोला गया है प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, यहाँ पे बोला है प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट किस केस में हो रहा था? प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट हम लोग का चार्ल्स लो में हो रहा था। तो हम लोग का चार्ल्स लो जो बी नंबर जो 51 का बी नंबर करेक्ट उत्तर है अकॉर्डिंग टू गे लुसेक्स लो। अब गे लुसेक्स लो क्या है? गे लुसेक्स लो, एक सेकेंड, गे लुसेक्स लॉ क्या है? गे लुसेक्स लॉ हम लोग जानते हैं क्या, जिसमें वॉल्यूम हम लोग का कांस्टेंट रहता है और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो 52 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गे लुसेक्स लॉ द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरी डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो 52 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 53, द गैस स्टेट्स दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, ये मतलब किसका स्टेटमेंट है जो बोला गया था कि जो इंटरनल एनर्जी कोई परफेक्ट गैस का जो है, इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हम लोग का चेंज इन टेम्परेचर, T2 - T1 लिखे, T2 - T1। तो हम लोग क्या आ जाएगा? ये हम लोग का जूल्स लॉ। 53 का डी नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, जूल्स लॉ। ठीक, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एवोगाड्रो लॉ। ये पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ। फॉर अ परफेक्ट गैस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में मैंने क्या बताया था? बॉयल्स लॉ के केस में हम लोग क्या होता है, बॉयल्स लॉ के केस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह रहा था, हम लोग टेम्परेचर हम लोग का क्या हो रहा था, कॉन्स्टेंट रह रहा था, और जो हम लोग का प्रेशर था, जो हम लोग का प्रेशर था वो क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था टेम्परेचर कांस्टेंट के केस में। अगर इसको हम लोग वी को इधर ले लाएं तो क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हुआ कब? जब टेम्परेचर हम लोग का कांस्टेंट है। तो ए नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट इफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इफ टी इज केप्ट कांस्टेंट। आई है नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के केस में हम लोग ने क्या देख रहा था, चार्ल्स लॉ के केस में, चार्ल्स लॉ के केस में हम लोग का क्या था, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे थे। किस केस में प्रेशर कांस्टेंट रख रहे थे? जहां हम लोग का वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। क्या था, क्या था, वॉल्यूम जो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। तो हम लोग का यहाँ पर वी बाई टी जो है क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। किस कंडीशन में कॉन्स्टेंट होगा? जब प्रेशर हम लोग का कॉन्स्टेंट है, जब हम लोग का प्रेशर जो हम लोग कांस्टेंट रख रहे थे। तो 56 का देखिए किसमें, ये वी बाई टी जो है कांस्टेंट है इफ पी इज केप्ट कांस्टेंट जो है। तो 56 का जो है बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गे लुसेक्स लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट इफ वी इज केप्ट कांस्टेंट। वी को हम लोग कांस्टेंट रख रहे थे। किस केस में? जब हम लोग का पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था। इसका मतलब क्या है, पी बाई टी जो है इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब भी को हम लोग कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम को, तो यह ट्रू हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स जीरो है, वैसा टेम्परेचर जब वॉल्यूम जो है कोई भी गैस का वॉल्यूम जो है जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो होता है कब? जब हम लोग का मॉलिकुलर मोमेंटम जो है हम लोग का कोई भी सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिकुलर मोमेंटम, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखिए, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोल रहा है, 60 नंबर, बॉयल्स लॉ स्टेट दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या था? ये हम लोग का जूल्स लॉ का स्टेटमेंट था, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। किसका था? जूल्स लॉ का स्टेटमेंट था। ये हम लोग गलत दिया हुआ, हम लोग का बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग कहता है अ
अगर बॉयल्स लो का स्टेटमेंट देखा जाए, बॉयल्स लो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ कि हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जिसमें हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इस कंडीशन में। लेकिन ये जो हम लोग का जूल्स लॉ का स्टेटमेंट दिया तो यहाँ पे डिसएग्री। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज इन्वर्सली एज इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज एज चार्ल्स लॉ। तो वॉल्यूम जो टेम्परेचर रिमेंस हम लोग किस में रह रहा था, टेम्परेचर रिमेंस किस में रह रहा था, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर रिमेंस हम लोग का बॉयल्स लॉ में रह रहा था, यहाँ पे पूरा चार्ल्स लॉ। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, नो। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट ऑल परफेक्ट गैस चेंज इन वॉल्यूम बाय डैश ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो 1/273 कितना, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। 63 द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड एट अ टेम्परेचर ऑफ, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हम लोग कब अटेंड कर रहे थे, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आया था कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हम लोग कब होगा, जब हम लोग का सिस्टम का मॉलिकुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ क्या दिया है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का टेम्परेचर पूछा है, तो ये हम लोग कुछ नहीं है, तो नन ऑफ दीज। जनरल इक्वेशन सभी लोग जानते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू एम आर टी, जहाँ P हम लोग का प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक, 65 क्वेश्चन नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इन SI यूनिट। अब इसके बारे में मैं पहले यहाँ पे कुछ बता देना चाहता हूँ। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं R इक्वल टू होता है हम लोग का आर नॉट बाय एम, आर नॉट अपॉन एम। ठीक, तो यहाँ पे आर नोट क्या है, आर क्या है, एम क्या है, वो देख लेते हैं। है आर नोट हम लोग का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एम क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास, आर क्या है, आर हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, अब यहाँ पे क्या है, सभी का अलग अलग वैल्यूज है और सभी का यूनिट तो खास तौर पे ध्यान देना है। ठीक, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का अगर देखें तो होता है 8.314 किलो जूल प्रति किलोग्राम मोल केल्विन। ठीक, ये ध्यान रखना है। आर जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, यूनिट जो है बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, तो R का वैल्यू अगर पूछेगा तो R का वैल्यू जो होता है हम लोग का, R का वैल्यू होता है हम लोग का 0.287 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो किलो जूल ना दे करके यहाँ पर सिर्फ जूल का दिया है और 0.287 है, तो किलो को हटा देंगे, हजार से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 287 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक, देख लीजिए किस में है, तो हम लोग का डी नंबर जो है करेक्ट है। एक चीज़ और होता है यहाँ पर, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि गामा इक्वल टू जो एडियाबेटिक इंडेक्स है, गामा इक्वल टू होता है सी पी अपॉन सी वी, है ना, इसी को हम लोग आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जहां सीपी का वैल्यू जो होता है हम लोग का 1.005 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक, और सीवी का जो वैल्यू है 0.717 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो अगर दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 1.4 होता है, जो हम लोग का एडियाबेटिक इंडेक्स ऑफ एयर होता है। ठीक, और एक चीज ये जो होता है हम लोग का CP-CV=R होता है, अगर R के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो CP-CV=R, जहाँ के हम लोग देख रहे हैं CV हमेशा ज़्यादा होगा, CV के रिस्पेक्ट में हम लोग का यहाँ भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक, आइए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ अभी देखा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सी नंबर जो हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 66 का सी।
67 द मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ऑफ ऑल गैसेस एट एनटीपी मतलब नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ, ठीक बोल रहा है मॉलिकुलर मास जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग ग्राम में मतलब 1 ग्राम मोल में सभी गैसेस के लिए नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो कितना ऑक्यूपाई करता है हम लोग का वॉल्यूम, तो वो हम लोग का 22.4 लीटर याद रखना है ना सभी गैसेस के लिए नॉमिनल टेम्परेचर और प्रेशर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस जब मिनिमम मॉलिकुलर मास, अब बताइए इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है कि सबसे जो है कम जो है किसका जो है मॉलिकुलर मास होता है, तो हम लोग जान रहे हैं हाइड्रोजन जो है हम लोग का सबसे पहले आता है तो इसका मॉलिकुलर मास सबसे कम होगा। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ द डेंसिटी ऑफ एनी टू गैसेस इज डैश देयर मॉलिकुलर मासेस इफ द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम लोग ने बार बार एवोगाड्रोज लॉ पढ़ते आ रहे हैं क्या हो जाएगा इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था हम लोग का मॉलिकुलर मास ऑफ द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, हाँ देखो जैसा कि मैंने बताया आर इक्वल टू आर नॉट बाय एम, आर नॉट हम लोग का क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट पूछा है आर नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आर इंटू एम, ठीक तो यहाँ से निकल के आ सकता है क्या कि यह किसका किसका प्रोडक्ट है हम लोग का यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्स्टेंट और मॉलिकुलर मास का, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्स्टेंट और हम लोग का किसका मॉलिकुलर मास का, तो यहाँ पर देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट यहाँ पर नहीं दिया है ऑप्शन में, तो जो भी जो हम ये तो मॉलिकुलर मास हम लोग का है ही और मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड द गैस कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिया, कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट नहीं लिखा डायरेक्टली, तो हम लोग का ए नंबर जो है 70 का ए नंबर हम लोग करेक्ट हो जाएगा। इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जैसा कि मैंने बताया यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का जो हम लोग का वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल प्रति किलोग्राम मोल केल्विन, यूनिट खासा तौर पे ध्यान रखना बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए किलो है किलो को हटा करके सिर्फ जूल में बदलिए तो 8314 जूल प्रति किलोग्राम मोल केल्विन, डी नंबर हम लोग करेक्ट हो जाएगा 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज सेम फॉर ऑल गैस, बिल्कुल सही है ना यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कभी बदलेगा नहीं सभी के लिए सही सब सेम रहता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बोला है तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आग मूंद के मारना है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोला है ना, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज ऑल द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा सही। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 kelvin इज कॉट, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई 2019 में आया हुआ है, ठीक तो इसका जो है ऑप्शन होगा किलो जूल हो जाएगा, इसमें क्या है बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नहीं दिया कॉन्स्टेंट प्रेशर नहीं दिया, तो बहुत लोग नन ऑफ दिस भी मार देते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर होगा हम लोग का सी नंबर किलो जूल। द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फिर उसी को जो है अब उल्टा करके डेफिनेशन पूछ रहा है कि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो देख लीजिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किस में है, एक ही में है और इसको देख लीजिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ही हम लोग का स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डैश दैट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, सीपी और सीवी दोनों का मैंने आपको क्या बता दिया था वैल्यू भी बता दिया था 1.005 0.717 यूनिट हमेशा याद रखना है किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, तो हमेशा देखिए सीपी क्या होगा हमेशा ज्यादा होगा किससे तो सीवी से, सीपी क्या हो जाएगा हमेशा ज्यादा हो जाएगा सीवी से। व्हेन द गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड, है ना जब भी हम लोग का इसमें देखिए 178 नंबर क्वेश्चन है और 179 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों जो है एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछेंगे लेकिन इसका जो है ऑप्शन कभी कभी चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शन सही हैं, इसमें क्या है दोनों क्वेश्चन में 78 और 79 नंबर में दो दो ऑप्शन सही है, इस थोड़ा ध्यान से जब बोल रहा है कोई भी गैस को हीट करें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर और हीट सप्लाई हो रहा तो उस केस में क्या होगा इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक तो ये दोनों ऑप्शन सही है ए और बी, ठीक जब हम लोग का वॉल्यूम हम लोग का जब
कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा ही, हम लोग का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वही केस अगर दे ले प्रेशर केस में कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, हम लोग क्या होगा एक्सटर्नल वर्क भी होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा एक्सपेंशन के कुछ एक्सटर्नल वर्क भी होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन और हम लोग का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये ध्यान देना है दोनों क्वेश्चन में। 80 नंबर द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड द गैस कॉन्स्टेंट। ये फिर वही क्वेश्चन दे दिया करेक्ट। आर नॉट इक्वल टू मैंने पहले बताया आर इंटू एम। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ डैश वाटर थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड किलो जूल। यहाँ देखिए किलो जूल दिया सिंपली तो क्या बना देना है 1 किलो जूल क्या हो जाएगा 1000 ग्राम के बराबर। When the gas is heated at constant volume, the heat supplied increases the internal energy of the gas। बोल रहा है कोई भी किसी भी चीज़ को constant volume पर heat करेंगे तो और constant volume पर heat supply करेंगे तो क्या internal energy of the gas को पड़ेगा उसका। अब यहाँ देखिए यही question पूछा है सेम कि constant volume पर हम लोग क्या कर रहे थे, constant volume पर हम लोग का internal energy भी बढ़ रहा था और temperature भी बढ़ रहा था। अब question में आइए इसमें बोल रहा है कि हीट करेंगे तो क्या इसका जो है हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं, तो बढ़ेगा सिंपल सी बात है। वही क्वेश्चन दे दिया है उल्टा करके इसको, कोई बात कोई ज़्यादा इसमें जानने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन रेशियो ऑफ सी पी बाई सी भी अब पूछ दिया सी पी बाई सी भी है ना, तो सी पी बाई सी भी पूछा तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा 1.4 होता है क्योंकि 1 का 1.005 है और एक का आपका 0.717 है। चूंकि सी बी हमेशा कम है सी पी से तो हम लोग क्या वो ग्रेटर देन 1 ही होगा ठीक। हीट सप्लाइड ड्यू टू हीट सप्लाइड टू द गैस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, गैस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई करेंगे तो जो भी मास होगा और हीट सप्लाई कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और टेम्परेचर डिफरेंस T2 - T1 तो हम लोग का बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंथैल्पी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसी को क्या कहते हैं तो हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। द वॉल्यूमेट्रिक और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए इसमें क्या है वॉल्यूमेट्रिक और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें जो है नॉन ऑफ दीज होगा इसका जो है कोई भी नहीं होता है ठीक। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया कि हम लोग का सी पी बाई सी भी जो हमेशा क्या होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्रेटर देन 1 होगा ग्रेटर देन 1 होगा ग्रेटर देन 1 होगा। सी नंबर जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा 87 का सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बार बार यह तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया। जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है, जो भी हम लोग हीट सप्लाई किए हैं और जो इंटरनल वर्क हुआ हम लोग इंटरनल एनर्जी और प्लस जो हम लोग का वर्क हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग का जनरल गैस इक्वेशन है देख ले कि इसमें तो ए नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो भी हम लोग 1-2 प्रोसेस से ले लिया प्रोसेस 1 से 2 में जो भी हम लोग हीट सप्लाई किए हैं जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है और जो वर्क डन किया गया है 1 और 2 के बीच में तो ए नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रेग्नोल्ड्स लॉ द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डैश विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैसेस, द रेग्नोल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है चेंज नहीं करता है। जब हम लोग क्या कहते हैं सी पी और सी बी ओ कॉन्स्टेंट रखते हैं तो हम लोग का उसमें प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू रेग्नोल्ड्स लॉ। रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है, क्या होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, या तो और इसी को और किस तरह लिखता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, अच्छा ठीक है इसको रहने दो सही सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। 91 द गैस कॉन्स्टेंट आर इज इक्वल टू आर पूछा है, आर इक्वल टू होता क्या सी पी माइनस सी वी तो क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। ये सी पी और सी वी से लगता है ये पाँचवा छठा क्वेश्चन हो गया जो है ना पाँचवा छठा क्वेश्चन हो गया। द वैल्यू ऑफ सी पी बाई सी भी मैंने बता दिया 1.4 क्या है ये मैच करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, ये सब क्वेश्चन जितना रिवाइज हो सके उस हिसाब से कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा इसमें द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब सी पी पूछा, सी पी हमेशा ज़्यादा होता है सी बी से
तो 1.005 मैंने बताया था, 1.001 दिया कंप्लीटली, तो इसको ए नंबर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट का पूछा है, तो 287 जूल प्रति किलोग्राम के लिए। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी भी पूछा है, सी भी का 0.717 बताया था, 720 दिया, कोई दिक्कत नहीं। सी द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का 8314 जूल प्रति किलोग्राम मोल कैल्विन। डी और द वैल्यू ऑफ एडिबेटिक इंडेक्स फॉर एयर इज हम लोग का 1.4, ठीक, CP/Cv = 1.4, ठीक। तो ये चीज, ये सब क्वेश्चन को कभी स्किप मत कीजिए, बार बार इसको रिवीजन कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। 94 वेन अ सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट देन द पाथ ऑफ सक्सेसिव स्टेट थ्रू विच द सिस्टम हैज पास्ड इज नोन एज। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कोई सिस्टम है जो चेंज कर रहा है वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम, है ना, और कोई एक पाथ से सक्सेसिव पाथ से हम, कोई एक पाथ से हम लोग का वो पास कर रहा है ना, तो उस ऐसा कुछ को हम लोग क्या कहते हैं, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। द प्रोसेस ओकरिंग इन एन ओपन सिस्टम विच परमिट द ट्रांसफर ऑफ मास टू एंड फ्रॉम द सिस्टम आर नोन एज, बोल रहा प्रोसेस जो भी ओकर हो रहा है ओपन सिस्टम में केस, ओपन सिस्टम में ओपन सिस्टम के केस में, उसको वो क्या बोलेंगे, फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर नन ऑफ दीज, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लो प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, फ्लो प्रोसेस ओपन सिस्टम है केस में। अब देखिए एक यहाँ पर न्यूमेरिकल आया 96 नंबर में न्यूमेरिकल आया, देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है पाथ 1 2 3 के केस में दिया हुआ, ए सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 केजी एज हीट एंड डज 60 किलोग्राम ऑफ वर्क वाइल अलोंग द, है ना, ये इतना तो एक ही मतलब 1 2 3 के केस में बोला है हीट एब्जॉर्ब जो कर रहा है, क्यू दिया वो 100 केजी, वर्क दिया हुआ 60 किलो जूल, ठीक, और बोल रहा है 1 4 3 केस में 20 किलो जूल जो वर्क कर रहा है, तो द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग साइकिल 1 4 3, तो 1 4 3 के केस में जो पूछा है हीट कितना और एब्जॉर्ब होगा, ठीक। पर दो कंडीशन होगा यहाँ पर, पहला जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन है उसी से लेते हैं, क्यू 1 2 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का डी यू, हम लोग क्या लेते हैं डी यू प्लस, है ना, डी यू प्लस डब्ल्यू 1 2 3, ठीक। तो डी यू को क्या लिख सकते हैं, डी यू को लिख सकते हैं यू 3 माइनस यू 1, जो भी हम लोग का इंटरनल एनर्जी जो है ये कॉमन है दोनों के लिए, डब्ल्यू 1 2 3 के लिए भी और डब्ल्यू 1 4 3 के लिए भी, क्यू 1 2 3 सबका वैल्यू लिख दीजिए जो जो दिया हुआ, हीट एब्जॉर्प्शन है दिया हुआ 100 किलो जूल इक्वल टू यू 3 माइनस यू 1 यहाँ से निकल करके आ जाएगा हम लोग का, प्लस W123 वर्क दिया हुआ 60 किलो जूल। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हम लोग का कि U3 माइनस U1 हम लोग क्या निकल के आया है यहाँ पर, 100 माइनस 60 कर दिया 40 किलो जूल, ठीक, सिंपली निकल के आ गया हम लोग कितना 40 किलो जूल, ठीक। अब देखिए हम लोग का पूछा क्या गया है, हम लोग का पूछा गया हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग 1 4 3, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग 1 2 3, मतलब हीट क्यू 1 4 3 केस में पूछा गया है, तो 1 4 3 के केस में अगर देखें तो ये हम लोग का U3 माइनस U1 तो सेम रहेगा जो कि हम लोग का निकल करके आ गया, प्लस और हम लोग का वर्क डन दिया हुआ 1 4 3 के केस में, वर्क डन कितना दिया 1 4 3 केस में 20 किलो जूल, कितना दिया 20 किलो जूल, क्यू 1 4 3 पूछा ही है इक्वल टू U3 माइनस U1 निकल करके आ गया 40 किलो जूल, और प्लस 40 किलो जूल प्लस और हम लोग का जो वर्क डन दिया हुआ 20, तो ये 20 किलो जूल, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या जाएगा 40 प्लस 20, 60 किलो जूल, जो भी हम लोग का हीट एब्जॉर्ब आया है 1 4 3 केस में हम लोग क्या निकल करके आया है, तो 60 किलो जूल जो हम लोग करेक्ट उत्तर होगा, प्लस 60 किलो जूल, ठीक। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से, कितने आराम तरीके से निकल सकता है ये जनरल गैस, जो जनरल जो इक्वेशन था हम लोग का, हम लोगों ने उसी से हम लोग निकाल दिया, ठीक। तो जो 96 का जो है डी नंबर करेक्ट होता है, पहले जो प्रोसेस के लिए दिया गया उससे हम लोगों ने जो जो नहीं दिया हुआ था वैल्यू वो निकाल करके हम लोगों ने उसमें सिंपली पुट कर दिया, ठीक। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, तो सभी जो है रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस ही है, सभी जो है रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस ही है। द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो हम लोग का, तो हम लोग कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस।
99 द आइसोथर्मल एंड आइसोट्रोपिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, पूछ रहा है कि आइसोथर्मल और आइसोट्रोपिक जो है रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस है, तो हम लोगों ने देखा ये, तो ये हम लोग का करेक्ट है। जो हम लोग का इरिवर्सिबल जो फ्लो है वो हम लोग का यही था, क्या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस या फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी होता है। द हीट एनर्जी स्टोर्ड आई 100 नंबर द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस एंड यूज फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज नोन, ठीक, जो भी हीट एनर्जी स्टोर किया जाता है, हीट एनर्जी स्टोर किया जाता है गैस के लिए और उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसका गैस को, उसको हम लोग कौन सा एनर्जी कहते हैं, तो वो हमका आंतरिक एनर्जी कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी है। When a gas is heated, change takes place in, है ना, जब भी हम लोग क्या करें गैस को हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग का सभी चीज हम लोग का वो होता है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेज आते हैं, डी नंबर जो करेक्ट उत्तर हो। When a gas is heated at constant volume, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट करेंगे तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, दोनों हम लोग का इंक्रीज करेगा। अब कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम लोग हीट करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम लोग हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, बोथ टेम्परेचर और वॉल्यूम हम लोग का इंक्रीज करेगा, जस्ट उसका उल्टा। द हीटिंग ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हम लोग का हो रहा था, गेलू सिक्स लो, इसमें फिर से बताने लिए बात है प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा था हम लोग का, चार्ल्स लॉ पे हम लोग का जो है कांस्टेंट प्रेशर। व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट इज यूटिलाइज्ड इन, अब बोला है कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग तो वर्क कर रहे हैं लेकिन जो हीट सप्लाई होगा, जो हीट सप्लाई होगा वो क्या होगा कि वो इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी गैस का और वो क्या करेगा, कुछ वर्क भी करेगा। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करने पर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसमें कुछ वर्क भी होगा। 107 का देखिए फिर से एक छोटा न्यूमेरिकल आया है, 107 का देखिए छोटा एक न्यूमेरिकल आया है, इसको फिर से हम लोग करते हैं। देखिए बोला है मिक्सचर ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.03 मीटर क्यू टू 0.06 मीटर क्यू एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 मेगा पास्कल एंड एब्जॉर्ब्स 84 किलो जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं dQ इक्वल टू हम लोग क्या होता है dU प्लस dW, ठीक, और dU हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही हम लोग का चेंज इन जो एनर्जी है, हम लोग का जो निकालना है हम लोग का ये dU निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W क्या लिख सकते हैं, PdV, और dQ हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर, dQ हम लोग का दिया 84 किलो जूल, वो हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो देख लेंगे। dU प्लस P वॉल्यूम केस में दिया हुआ तो क्या कर लेंगे, V2 - V1 कर देंगे dQ। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए, dQ दिया हुआ 84 किलो जूल तो 84 किलो जूल, dU निकालना है, dU निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल को हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 to the power, और V2 - V1 तो 0.06 - 0.03, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक। अब देखिए 84 किलो जूल इक्वल टू dU प्लस 10 to the power Q इंटू 0.03, अब माइनस भी नहीं करना आएगा तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं उसमें, वो तो आपको ही सीखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 किलो जूल इक्वल टू dU प्लस कितना हो जाएगा 10 to the power Q इंटू 0.03 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो dU निकल करके आएगा, यहाँ पर जो dU निकल करके आ रहा है dU इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 - 30 तो हम लोग का 54 किलो जूल, क्या निकल के आ रहा 54 किलो जूल, जो कि हम लोग का देख लीजिए किस में दिया हुआ 54 किलो जूल, बी नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक। 107 का बी नंबर जो है सिंपली जो है बेसिक इक्वेशन से निकल गया, यहाँ पर आ गया, यह वही क्वेश्चन है। द गैस कॉन्स्टेंट आर इज इक्वल टू द, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, आर इक्वल टू CP - CV, डिफरेंस हो जाएगा। 109 द हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बोल रहा है हीटिंग और एक्सपेंडिंग कोई गैस का उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं क्या, तो ये नहीं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोगों ने पहले ही देख लिया किसको बोलते हैं हम लोग, जो पहला नंबर क्वेश्चन था हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ही था,
110 नंबर आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बोला व्हेन द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, बोल रहा है कोई भी गैस को ठंडा किया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर केस में, तो उसमें क्या होगा, बोथ टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग कोई भी गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है दोनों डिक्रीज करेगा। ठीक, तो आज का 110 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। ठीक, आज देखा हम लोगों ने क्या क्या देखा, वो न्यूमेरिकल, एक तो दो न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया थे, है ना, उसका अगर कोई अगर भूल भी जाते हैं तो अगर वहाँ से आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं। ऐसे क्या होता है जनरली बच्चे लोग रट करके तो बर्बाद किए हुए किताब, उसके लिए आप लोग दिक्कत मत, टेंशन मत लीजिए, है ना। जो भी नए लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है बढ़िया से बनाते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इसी को बार बार इतने बार रिविजन कर चुके हैं कि उन लोगों को दिक्कत नहीं होती है। ठीक, वो लोग डायरेक्ट टिक ही मारते हैं, भले ही अगर उसमें न्यूमेरिकल में कुछ डेटा चेंज रहा तभी उन लोगों को दिक्कत होगी, ऐसे तो वो लोग पूरा मतलब कि इसको रटे हुए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप लोग भी उस हिसाब से देखिए, रिविजन कीजिए, है ना, और आज 110 तक रहने देते, 111 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, धन्यवाद।